नमस्कार दोस्तों, ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक आज आपके लिए लाया है एक स्मार्ट होम प्रोडक्ट। ये है स्मार्ट टच पैनल स्विच। दोस्तों इस एक पैनल स्विच से आप तीन अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। इसे आप टच से भी ऑपरेट कर सकते हैं और वाईफाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्ट टच पैनल स्विच की वायरिंग सेटअप और डेमो बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों कुछ ऐसे बॉक्स पैकेजिंग में आता है ये प्रोडक्ट। काफ़ी अच्छी है इसकी पैकेजिंग। बॉक्स खोलते ही यहाँ है यूज़र मैनुअल जिसपे वाईफाई पर सेटिंग्स की कैसे करते हैं ये दिया हुआ है। मैं बताने ही वाला हूँ वैसे अभी। स्क्रूज मिलते हैं माउंटिंग के लिए और फाइनली ये है प्रोडक्ट। बैक साइड स्पेसिफिकेशन और कनेक्शन डिटेल्स मेंशन है। यहाँ लोड कनेक्ट करना है L1, L2, L3 पर। LNN है इनपुट फेज इन न्यूट्रल और N1 है आउटपुट न्यूट्रल, जो कॉमन होता है तीनों लोड के लिए। पावर आउटपुट पर लोड है 500 वॉट, तो टोटल 1500 वॉट लोड आप इस पर लगा सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ QR कोड्स दिए हुए हैं। टफ ग्लास की बॉडी मिलती है हमें यहाँ और उस प्रोडक्ट का लुक और डिजाइन एकदम प्रीमियम है। प्लास्टिक कवर लगा है इसके ऊपर, इसे निकाल देता हूँ। स्मार्ट टच पैनल स्विच से आप लाइट, फैन, टीवी, फ्रिज जैसे अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कनेक्शंस कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो के लिए दो लोड दिए हैं, एक है 0.5 वॉट का LED बल्ब और एक है 18 वॉट CFL। सबसे पहले लोड की कॉमन को न्यूट्रल से कनेक्ट कर लेते हैं, यानी N1 से। अब एक लोड को कनेक्ट कर लेता हूँ L1 पर और दूसरे लोड की फेज कनेक्ट करता हूँ L2 पर। अब पावर सप्लाई का फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मेंस ऑफ रखकर ही कनेक्शन करें वरना शॉक लगने का खतरा है। L1 पर कनेक्ट करता हूँ रेड LED बल्ब और L2 पर कनेक्ट करता हूँ CFL। पावर सप्लाई ऑन, वाईफाई की लाइट ब्लिंक हो रही है जैसा आप देख सकते हैं। पहले आपको टच कंट्रोल का डेमो दिखा देता हूँ। ये देखिए रेड LED ऑन, ऑफ, CFL ऑन, ऑफ। थर्ड पर हमने कुछ लगाया नहीं है। सही बोल तो गाइस, सच में इसका टच कंट्रोल एकदम जबरदस्त फील होता है। नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी के साथ आप खेल रहे हैं ऐसा फील होता है। प्रीमियम लुक और डिजाइन तो है ही, साथ में सेंसिटिव टच कंट्रोल भी हमें मिलता है। टच कंट्रोल तो देख लिया, अब वाईफाई पर इसकी सेटिंग करते हैं। ऐप गाइस एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। दोनों की सेटअप प्रोसेस एकदम सेम है। मेरे पास iOS है तो उस पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर ओपन करें, उसमें सर्च करें C Time Smart, या फिर आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल कर ले, मेरे डिवाइस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है दोस्तों। सिंपली आपका ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बनाना होता है, तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है। न्यू डिवाइस को ऐड करें, अब लोकेशन अलाउ करें, इसमें स्विच सिलेक्ट करें, उसके बाद स्मार्ट पैनल स्विच सिलेक्ट करें। अब जिस वाईफाई या हॉटस्पॉट का यूज आप कर रहे हैं उसका नेम एंड पासवर्ड यहाँ डालें। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अब यहाँ आएगा कि पैनल की वाईफाई इंडिकेटर लाइट ब्लिंक हो रही है या नहीं। ब्लिंक हो रही हो तो प्रोसीड करें। लाइट ब्लिंक कर रही है हमारी, तो हम प्रोसीड करते हैं। अब कनेक्टिंग प्रोसेस शुरू होगी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए डिवाइस इज कनेक्टेड, यानी अब स्मार्ट पैनल स्विच मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। फिनिश। नीचे वाला है हमारा पैनल जो अभी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ लोकल लिख कर आया है। जो कनेक्टेड नहीं है वहाँ ऑफलाइन लिख कर आएगा। ये वाला कनेक्टेड नहीं है तो ये हो गया ऑफलाइन। जो कनेक्टेड है उसे ऑन करते ही तीनों के तीनों लोड ऑन हो जाते हैं। इंडिविजुअल ऑन ऑफ के लिए इसे ओपन करें। अब यहाँ से आप इंडिविजुअल लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। 1 ऑन 1 ऑफ, 2 ऑन 2 ऑफ, इससे तीनों लोड ऑन होंगे, ऑफ। अब दोस्तों इसका खास फीचर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप लोड का ऑटोमेटिक ऑन ऑफ शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे अभी 11:24 AM टाइम है, तो मैं 11:26 AM को ऑन टाइम शेड्यूल करता हूँ फर्स्ट वाले स्विच का। मंडे है आज, सेव। सिमिलरली 11:27 को सेट किया फर्स्ट का ऑफ टाइम। 11:27 को ही सेट किया मैंने सेकेंड का स्विच ऑन टाइम और 11:28 AM को सेट किया मैंने सेकेंड स्विच का ऑफ टाइम। तो एज यू कैन सी फर्स्ट स्विच ऑन हो गया है। आप इसे मैन्युअली ओवरराइड भी कर सकते हैं, यानी ऑन ऑफ भी कर सकते हैं शेड्यूल के बीच में, कोई इशू नहीं है। 11:27 को फर्स्ट ऑफ हो चुका है और सेकंड ऑन हो गया है।
अब 11:28 को सेकंड ऑफ हो चुका है। प्रोग्राम्स यहां से डिलीट भी कर सकते हैं आप, ऐड भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइज मैं कहूंगा दिस इज अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट बाय ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं आपके घर में स्मार्ट टच पैनल स्विच को इंस्टॉल करने के लिए? आपके थॉट्स हमें कमेंट करना ना भूले। ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी से आप इस प्रोडक्ट को सिंगल या बल्क क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। और अगर आप एक रीसेलर है या आपका एक खुद का शॉप है होम अप्लायंस का, तो आपके लिए स्पेशली हमने सप्लायर के कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आने वाले वीडियोस में हम और स्मार्ट होम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं, और एलेक्सा से भी आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो आपको सिखाने वाले हैं। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल, डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।